सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी सृष्टि की जब रचना करते हैं तो मनुष्यों की सृष्टि करने से पूर्व संतों की सृष्टि की है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार देव ऋषि नारद जी मरीचि ऋषि अंगिर ऋषि पुलस्त ऋषि पुलह ऋषि क्रतु ऋषि भृगु ऋषि वशिष्ठ ऋषि इन सब ऋषियों की पहले सृष्टि की है। संत पहले आए हैं और उसके बाद में मनुष्य की सृष्टि की है, मानवों की सृष्टि की है। ये सब ऋषि मानव नहीं थे, ये सब देवता थे, ब्रह्म लोक में पैदा हुए। ये ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि थी। मैथुनी सृष्टि मनु और शत्रुपा से प्रारंभ हुई। ये मनुष्य सबसे पहला मनु, शंभु मनु, मनु की सब संतानें हैं इसलिए मनुष्य कहलाती है। क्षत्री वैश्य शूद्र ये सब मनु की संतानें हैं और ब्राह्मण इन ब्रह्म ऋषियों की संतानें हैं। ये ऋषियों की देव ऋषियों की संतानें हैं। ब्राह्मण देव अंश से पैदा होते हैं और क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मनु के अंश से पैदा हुए, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं, ब्राह्मण देव। इन सप्तऋषियों की संतान है ये ब्राह्मण और मनु की संतान है क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसलिए तीनों वर्णों के पूज्य हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में कोई दोष हो तब भी वो पूजनीय है। जैसे माता पिता पूजनीय है, यदि माता पिता में कोई दोष आ जाए तब भी वो बच्चे के लिए माता पिता पूजनीय ही होते हैं। पिता में यदि विकार आ गया, कोई दोष आ गया, तब भी वो पुत्र अपने पिता को प्रणाम करे। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे बाप से भी अच्छा क्यों ना हो जाए, तब भी पिता ही पूजनीय है। पिता चाहे अवगुणी हो और पुत्र चाहे सदगुणी हो, तभी पुत्र के द्वारा पिता की वंदना होगी, न कि पिता के द्वारा पुत्र की। इसलिए ब्राह्मण चाहे पतित भी क्यों ना हो जाए तब भी वो पूजनीय है। पिता कहीं पतित भी हो जाए तब भी पुत्र के लिए वो सम्मानीय है। फिर मनु और शत्रुपा, मनुष्य को पैदा किया मनु के रूप में। ये दुनिया का सबसे पहला मानव है, सबसे पावरफुल भगवान ने मनुष्य को बनाया।